हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कटहल की बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और मैं कटहल को फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मैंने कटहल के बीज हटा दिए हैं, और अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं। मुझे कम पसंद है इसलिए मैंने कुछ बीज निकाल दिए हैं कटहल के, और मैं अब कटहल को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कटहल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मसाले निकाल लूँगी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मैं सब्ज़ी को थोड़ा सा चटपटी बनाने के लिए 2 पैकेट मैगी मसाला यूज़ करूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लिया है। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने कटहल को फ्राई किया था उसी बचे हुए तेल में मैंने लहसुन प्याज अदरक मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, और इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। लहसुन प्याज हमारा सब फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमने घोल कर रखे थे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मसालों को हमें अच्छे से पका लेना है। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब हम इसमें टमाटो पूरी प्यूरी डाल देंगे और इसे फिर से पका लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कटहल को डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। कटहल को अच्छे से हमें मिक्स करना है, और 5 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे इसी तरह से। फिर बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप अपने अनुसार डालें। पानी मैं इसमें थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थिक चाहिए। आप अपने अनुसार डालें। अब मैं इसे ढक दूंगी 20 मिनट के लिए और इसे पकने दूंगी। बीस मिनट बाद मैंने इसे चेक किया है
और अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाऊंगी। मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाकर इसे चेक किया है। फिर से कटहल की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए। आप इस सब्ज़ी को पूड़ी, पराठे, चावल या रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। थोड़ी देर रखने के बाद इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है।